Hey everyone, what's up? I hope you all are doing great. So welcome back to my last vlog from Utah series. I hope कि आप लोगों ने मेरे सारे vlogs enjoy किए होंगे. So first thing first, we had our breakfast in hotel and उसके बाद हमने checkout किया वहाँ से और फिर हम उसके बाद Bryce के लिए निकल गए थे and Bryce hardly यहाँ से 5 minutes की drive थी. तो आज आप लोग मेरे साथ explore करेंगे Bryce Canyon National Park और उसके बाद आज ही हम लोग Colorado के लिए वापस निकल जाएंगे. तो आज बहुत ही लॉन्ग आवर्स की ड्राइव होगी. तो हम लोगों ने बीच में स्टे लिया है तो आज हम लोग वहाँ पे स्टे करेंगे और उसके बाद कल हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही अपने घर के लिए निकल जाएंगे. सो नाउ वी आर हियर एट Bryce Canyon नेशनल पार्क और यहाँ की एंट्री फी है $35 पर व्हीकल और यहाँ पे भी ये लोग आपको एक गाइड मैप प्रोवाइड करेंगे. सो एज लाइक अदर नेशनल पार्क्स यहाँ पे भी बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, ट्रेल्स हैं और एक दिन में आप कोई भी नेशनल पार्क कवर नहीं कर सकते हैं. यू नीड अ डेज टू एक्सप्लोर द फुल पार्क एंड टू डू ऑल द हाइक्स. सो टुडे वी विल बी डूइंग वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड हाइक ऑफ दिस पार्क विच विल कवर मोस्ट ऑफ योर व्यू पॉइंट्स. बट बिफोर स्टार्टिंग अवर हाइक वी आर हियर एट Bryce पॉइंट टू ओवरलुक द सीनिक व्यू. तो अभी हम लोग Bryce पॉइंट से ड्राइव करके सनराइज़ पॉइंट आ गए हैं एंड वी पार्क्ड अवर कार देयर और यहाँ से हमने अपनी हाइक भी स्टार्ट कर दी है. और एक्चुअली इससे पहले वी वर लुकिंग फॉर द सनसेट पॉइंट टू पार्क अवर कार बट वी वर अनेबल टू राउट अवर गूगल मैप एंड इट्स जस्ट कीप अस ड्रैगिंग टू द सनराइज़ पॉइंट पार्किंग एंड देन आफ्टर वॉकिंग अ फ्यू स्टेप्स देयर वी रियलाइज दैट इज द सेम पार्किंग फॉर बोथ द पॉइंट्स एंड यू कैन ईजिली वॉक अ माइल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विच इज़ द पेव रोड एंड इट इज़ कंसिडर्ड द ईजिएस्ट वॉक ऑफ दिस पार्क विद द व्यूज ऑफ Bryce Amphitheater. तो इस जगह यू आर अलाउड टू टेक योर व्हील चेयर्स एंड पेट्स. And now coming to the hike which we decided to do today is Queens Navajo Combination Loop जो कि 2.9 miles की है which means 4.6 kilometer and it will take 2 to 3 hours to complete it and can be started either from sunrise point or a sunset point. But difference इतना है कि अगर आप sunrise point से start करते हैं then you have to go down to the Queens Garden and then hike up the Navajo Loop to the sunset point. तो आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट से आप अपनी हाइक स्टार्ट कर सकते हैं बट आई थिंक जो ईजिएस्ट हाइक पड़ेगी वो आपको पड़ेगी सनसेट पॉइंट से. और अगर आप हमारी तरह परफेक्ट हाइक करना चाहते हैं देन यू शुड स्टार्ट फ्रॉम सनराइज पॉइंट. So this park is famous for world's largest collection of hoodoos which are irregular rock columns that form millions of years due to erosion of ice and rain. And this park has a magical appearance in itself and you are going to experience different views from every single point in this park. तो यहाँ पे हमने अपनी 1 mile की हाइक कंप्लीट कर ली है टू द क्वींस गार्डन एंड वी स्पॉटेड अ हुडू विच इज़ फेमस एज अ क्वीन विक्टोरिया हुडू. तो यहाँ पे आप कुछ ट्रेल्स हॉर्स राइड से भी कवर कर सकते हैं एंड आई थिंक उसके लिए आपको बुक करना पड़ेगा उनकी साइट्स पे और विच विल कॉस्ट यू लाइक $75 टू $100 फॉर 1.5 आवर्स टू 3 आवर्स.
और अभी यहाँ पे हमें हाफ एन माइल की वॉक करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि हम लोग कुछ गलत ट्रेल पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ना हॉर्स के फुटप्रिंट्स पता चल रहे थे, सो वी थॉट कि हम लोग कुछ गलत ट्रेल पे हैं। बट लकीली हमें अंकल मिल गए थे एक, उन्होंने बोला कि वी आर ऑन द पीकावू ट्रेल। तो वो हमें उस जगह तो नहीं जाना था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा सोचा कि हम लोग वापस चले जाते हैं, बट वी डिंट गो बैक। हम लोग उसी ट्रेल पे थोड़ा आगे बढ़ते रहे एंड उसके बाद हमें जब लोग दिखाई देने लगे, या वी आर सो मच हैप्पी कि या वी आर ऑन द राइट पाथ नाउ। तो थैंकफुली अभी हमने अपनी फिर से वही वाली ट्रेल ज्वाइन कर ली है एंड वी वर ऑलमोस्ट लॉस्ट फॉर 30 मिनट्स एंड हाइक्ड अप लाइक 30 मिनट्स एक्स्ट्रा। बट या हम लोगों को कुछ बोनस व्यूज मिल गए वहाँ पे देखने को। तो अभी हम लोग फाइनली अपने नवाहो लूप ट्रेल पे पहुंच चुके हैं। इट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट टू हाइक बट या डुएबल था। और जो फुल लूप था दैट वाज फुल ऑफ स्टनिंग व्यूज़। आप कहीं पर भी रुककर आप ऊपर देखिए या नीचे देखिए, यू विल गेट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस और बहुत ही डिफरेंट व्यूज़ दिखेंगे आपको एंड दैट वॉज वर्थ द हाइक। So these are the views that I was talking about and believe me it's one of the coolest place to look on। तो अभी हम लोग इतना ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, वो नीचे देख रहे हैं आप, वहाँ से हम लोगों ने हाइक स्टार्ट किया था नवाहो लूप की एंड वी आर एट द टॉप ऑफ द नवाहो लूप। सो नाउ लेट मी टेक यू टू द वन ऑफ द मोस्ट ब्रेथ टेकिंग साइट। So this is the iconic view from the sunset point and look at that sun rays which are falling on the hoodoos and makes it more beautiful and a magical landscape। तो आपको इस पार्क में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट शेप के हुडूज़ दिखाई देंगे एंड सम गॉट देयर नेम्स। और उसमें से है एक थॉर्स हैमर विच इज़ ऑल्सो द आइकन फॉर यूटा जियोलॉजिकल सर्वे। तो अभी हमारी हाइक कंप्लीट हो चुकी है एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक टू द पार्किंग लॉट। उसके बाद हम लोग अपनी ड्राइव कर स्टार्ट करेंगे बैक टू कोलोराडो के लिए। और अभी हम लोग बीच में अपना लंच वगैरह भी करेंगे, उसके लिए थोड़ी देर स्टॉप लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट। सो जो आज का एक्सपीरियंस था इट वॉज क्वाइट ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड इट इज़ अ क्रेजी ब्यूटिफुल प्लेस विद अ यूनिक लैंडस्केप एंड आई लव बींग हेयर एंड रियली इंजॉयड एवरी सिंगल बिट ऑफ दिस मैजिकल पार्क। सो द होल यूटा ट्रिप वॉज लाइक दैट आई एम ऑन अनदर प्लानट। वेल इट वॉज सेड बाय द साइंटिस्ट टू दैट द सदर्न यूटा लुक्स लाइक अ मार्स बिकॉज ऑफ द मैनी सिमिलरिटीज बिटवीन द रेड प्लानट एंड यूटाज रेड रॉक्स डेजर्ट। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे एक क्विक सा स्टॉप लिया है सबवे पे एंड यहाँ पे हमने अपना लंच किया। उसके बाद अभी हम लोग जो पूरी ड्राइव करने वाले हैं वो पूरी सीनिक ड्राइव होने वाली है और जो भी मेरे को रास्ते में बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल से सीन्स दिखाई देंगे देन दैट आई विल शेयर विद यू। तो
कर रहे हैं यहाँ पे हैं, वहाँ पे भी लोग कैंपिंग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो अपनी ड्राइव स्टार्ट करी थी वो 2 बजे स्टार्ट की थी ब्राइस से, और अभी 8 बजे हम लोग ग्लेनवुड स्प्रिंग्स आ गए हैं, और ये कोलोराडो में ही है। यहाँ से अभी हमारा घर 3 आवर्स की ड्राइव और है, और तो इसीलिए अभी आज हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में शहर को जाना है ऑफिस, तो ये थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा और एक प्रॉपर नींद हो जाएगी रात की। तो रात में तो बस हम लोगों ने अपना फ्रेश वगैरह होके बस सब डिनर वगैरह करके हम लोग सो गए थे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से शेयर करती हूँ अपना फुल रोड ट्रिप वाला प्लान। तो कैसे कैसे हम लोगों ने प्लान किया था, पहले हम लोगों ने घर से स्टार्ट किया था टू मुआ, वहाँ पे हम आर्चीज नेशनल पार्क गए थे, और उसके बाद हम लोग पेज एरिजोना गए थे, वहाँ पे भी हम लोगों ने स्टे किया था। उसके बाद हमने कैनियंस हॉर्सशू बेंड एक्सप्लोर किया था, एंड देन वी वेंट टू कैनाव। कैनाव में हम लोगों ने बायपास ट्रेल की थी, उसके बाद देन वी हैड टू ब्राइस कैनियन नेशनल पार्क, वहाँ पे भी हम लोगों ने एक रात का स्टे किया था। उसके बाद हमने ब्राइस कैनियन नेशनल पार्क एक्सप्लोर किया, एंड देन वी हैड टू बैक टू कोलोराडो। तो हमने जो पूरा फुल रोड ट्रिप था वो हमने एक लूप में कवर किया था, और आई एम शेयरिंग इट टू यू बिकॉज अगर यहाँ से कोई भी कोलोराडो से कोई भी रोड ट्रिप करना चाहता है तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, एंड आई एम होपिंग कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग का, तो अभी 4:45 हो रहा है एंड हमने यहाँ से चेकआउट कर दिया है। उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने घर के लिए। तो मैंने आपको अपने फर्स्ट ब्लॉग ऑफ फ्यूचर ट्रिप में एक जगह शेयर करी थी वेल, जहाँ पे लोग दूर दूर से स्कीइंग करने आते हैं। तो अभी हम उसी जगह से क्रॉस कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे लास्ट नाइट ही स्नो हुई है, यहाँ पे ट्रीज़ अभी स्नो से कवर्ड है, तो ये काफ़ी एलिवेशन पे है, यहाँ पे स्नो वगैरह होती रहती है, और अभी जून का मंथ है और अभी भी स्टिल स्नो हो रही है और काफ़ी ठंडा भी है। तो ये है कोलोराडो जहाँ कभी स्नो ख़त्म नहीं होती है, और हर सीज़न में यहाँ पे स्नो आपको देखने को मिली जाती है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द एंड ऑफ माई मोस्ट अमेजिंग रोड ट्रिप ऑफ दिस सीज़न। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच मोर ट्रिप्स एंड टू टेक यू अलॉन्ग विद मी ऑन दिस ब्यूटिफुल जर्नी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवन्ट डन ऑलरेडी, एंड इफ यू लाइक माई टूडेज ब्लॉग देन टू हिट द लाइक बटन, शेयर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप जाके ज़रूर फॉलो करिएगा, वहाँ पे मैंने इस ट्रिप की बहुत ही सारी रील्स एंड फोटोज़ आपके साथ शेयर करी हैं। और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।